हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो भी आज दिन हो चुका है मंडे का, सुबह का टाइम है, 8:30-9 बजे का टाइम हो रखा है और अब मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पे बस चाय पानी पिया था और दूध वगैरह लेके आई हूँ। अभी मैं आटा लगा रही हूँ और उसके बाद करूँगी भाई हम नाश्ता, मैं और दक्ष, और उसके बाद स्टार्ट करूंगी भी अपने घर का काम। बाकी का जो भी है, बहुत सारा काम फैल रखा है घर में, ढेर सारे कपड़े हैं, बेड शीट वगैरह जो भी। कल सारे बच्चे चले गए थे हफ्ता, 10 दिन रुक के, तो भी काफी सारे कपड़े भी गंदे हो रखे हैं और घर भी फैल रखा है, समेटना पड़ेगा सारा सामान। और उसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी क्योंकि भी 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक तो मौसम ऐसा ठंडी का था और पूरा दिन बस खाने पीने में ही लगे रहे थे, तो भी झाड़ू पोछा भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो आज से स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपना वही रूटीन डेली का, विभाग बाग के सारा काम करना है, एकदम साफ सफाई करनी है पूरी घर की। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो। और ये कैप डाल रखी है क्योंकि भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अगर सर में दर्द हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए अपना पहले ही बंदोबस्त पूरा कर रखा है। और अभी दक्ष उठाया, उसको भी दूध दे दिया है, तो मैं आटा लगा लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ अपने 2 पराठे, एक दक्ष के लिए एक अपने लिए, और फिर बाद में करते हैं बाकी का काम। तो भी एक बार तो भी सब जाने के बाद एकदम बिल्कुल घर हो गया था खाली खाली, ऐसा हो गया था जैसे कि भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं और दक्ष थे और पापा अपने बाहर थे भी, और कई दिनों से 5-6 बच्चे हो गए और हम हो गए, तो पूरा घर में चल पहल हो ही रहा थी और अब हो गया खाली खाली सा एकदम से। तो 1-2 दिन तो ऐसा ही लगेगा, फिर वही अपना रूटीन हो जाएगा, भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। 2 दिन बाद तो भी फिर वैसे ही चल पड़ेगा सब कुछ, 1-2 दिन लगेगा ऐसा। तो यहाँ पे मैंने सेक लिए हैं पराठे और उसके बाद मैं मशीन वगैरह लगाऊंगी क्योंकि भी बहुत सारे कपड़े हो रखे, देखती हूँ भी थोड़े थोड़े करके धो लूँगी, क्योंकि ऐसा है ना डेली के डेली कपड़े जो निकालते थे पहनने वाले वही धुलते थे। और ये बेड शीट वगैरह खूब पार्टी कर रखी है बच्चों ने और कई दिन हो गए थे भी, इतने दिन में तो चेंज होती रहती है बेड शीट हो, टावल वगैरह हो गए धोने होते हैं और कुछ गर्म कपड़े भी होते हैं, तो भी साथ के साथ में बस जो पहनने थे वही डेली के कपड़े धुल पावे थे और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं हो पा रहा था। और दिन भी इतने छोटे छोटे हैं तो कि काम तो फिर होता रहेगा अपना, अब इकट्ठे हो रहे हैं तो अपना पूरा इंजॉय करें भी, फुल खूब मौज मस्ती करी। और ये अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाथरूम में, तो ये पहले इजी में डाल रखे थे थोड़े से कपड़े हैं, 1-2 मेरा वैसा सूट था तो वो भी मैंने आज मशीन में ही डाल दिया, वैसे कलर वलर कुछ नहीं निकल रहा था, इजी में डाल कर और मशीन में ही घुमा दिए। फिर जो वैसे गर्म कपड़े हैं, जैकेट वगैरह थी वो वाली भी डाल दी, और ये देखो भी मेरी जैकेट में रह गए थे 200 रुपये, तो फटे तो नहीं, निकाल लिए, वैसे कमज़ोर से हो जाते हैं, फिर ये इनका कलर भी चेंज हो जाता और एकदम से ऐसे हो जाते हैं, अलग से पता चल जाता कि वे मशीन में धुल रहे हैं, भीग रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये वाले कपड़े इनको निकाल लेती हूँ पानी में, और उसके बाद वो वाले कपड़े डाल दिए। और यहाँ पर बच्चों ने करी थी भी रात को न्यू ईयर की पार्टी, तो गद्दा वद्दा सब कुछ हटा रखा है यहाँ से, और बेड शीट भी निकाल ली यहाँ से, और जो सोफे के कवर है, मेज कवर है, सारी चीज़ निकाल रखी है कि एक बार इकट्ठा करके और डाल देती हूँ। मशीन लगने के बाद तो भाई बस ऐसा है कि मोटर चला के और फिर फटाफट से पानी में कर निकाल दूँगी, एक बार धोने लग जा फिर ठंड नहीं लगती, वैसे रजाई में बैठे बैठे तो भी ऐसा लगा है पता नहीं कितनी ठंड है, कुछ भी काम नहीं हो पाऊगा। तो यहाँ पे सोफे हैं, बेड है, जो भी ये था ये बाहर वाले रूम में, तो ये साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दी। इसके बाद लगाऊंगी भी पोचा, और पोचा लगाने के बाद फिर देखती हूँ जो बाकी कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। तो बाहर वाले हिस्से में कर दिया था मैंने पहले, और अब आई हूँ अंदर अंदर, यहाँ पे इसमें
किचन के जो टावल होते हैं वो भिगो कर रख रखे हैं। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालकर और थोड़ा सा इसमें डाल रखा है बेकिंग पाउडर और सर्फ डाल रखा है। बेकिंग पाउडर डालने से इसकी चिकनाई वगैरह होती है वो सारी कट जाती है और स्मेल सी भी नहीं रहती, क्योंकि भाई धूप तो ऐसी निकलती नहीं, बगैर धूप लगे तो स्मेल सी रह जाती है, चिकनाहट भी ऐसे ही रह जाती। तो गर्म पानी और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल रखा है तो उसे बिल्कुल चिकनाई की एकदम साफ़ हो जाएगी और स्मेल भी नहीं रहेगी। तो ये बस यहाँ अंदर वाले पोर्शन में भी अब मैंने कर लिया है, फटाफट से झाड़ू पोछा। और भी अंधेरा अंधेरा सा रहता है तो लाइट तो ऐसे ही जली रहती है। और लास्ट में यहाँ पे अब टाइम भाई 1:30 बजे का हो रखा हुआ, और ये टॉवल वगैरह सुखा दिए हैं। सारे कपड़े मैंने टब भर के लेके आई थी, एक बाल्टी भर के लेके आई थी, 2-3 चक्कर लगाए और कई सारी रस्सी बांध रखी है, क्योंकि अलग अलग से फैलाने पड़ेंगे कपड़े यहाँ पे तो हवा निकल जाएगी। तो ऐसा है कि भी अंदर भी डाल दूँगी, वैसे धूप के बगैर तो सूखने वाले नहीं, थोड़े सीले सीले से ही लगते रहेंगे। तो यहाँ पे फैला देती हूँ सारे कपड़ों को, खूब सारी रस्सी बांध रखी है और ढेर सारे भी कपड़े हैं। तो आज का तो ये काम मैंने निपटा दिया है और उसके बाद देखती हूँ भाई नीचे जाकर, एक दो काम और भी रह रखे हैं, नाना धोना भी अभी बाकी है, क्योंकि भी गीले कपड़े हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये बिना मानते नहीं कपड़े धोते हैं तो इसलिए पहले मैं नहाई भी नहीं थी कि ये वाला काम निपटा के और फिर बाद में ही नहा लूँगी मैं। तो ये यहाँ पे ये कुशन कवर हैं, सोफे कवर थे और कुशन कवर थे, टॉवल वगैरह जो भी मेरे को सामान मिला भी जो भी आगे दिखाई दिया सारे धो दिए आज, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। वैसे हवा तो नहीं है आज इतनी ज़्यादा, है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, कई दिनों से चल रही थी जितनी, और धूप बिल्कुल हल्की सी है। तो भी ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो को भी जाते जाते लाइक भी कर दियो और शेयर भी कर दियो और कमेंट करके जरूर बता दियो। हाँ जी, तो अब धो के सुखा दिए हैं, बहुत सारे कपड़े थे आज, तो भी 1:30 बज गया धोते धोते। और ये देखो चारों तरफ ना रस्सी बांध रखी है, हल्की हल्की सी धूप निकली है अब, और खूब सारे कपड़े थे अब धो के सुखा दिए हैं। अब भाई बस थोड़ी देर में जाकर अभी नहाती हूँ, नहाई नहीं थी अभी, और बाकी का तो कर दिया था सारा काम। और देखो भी ये भी धो दिया आज तो खरगोश, क्योंकि भी ये खिलौने थे कई सारे थे अभी, तो आज तो भी ये कई मिला था ये धो दिया, बाकी के और भी पड़े हैं, धीरे धीरे धोते रहेंगे। कई दिन से धुले नहीं थे ना ये बेड शीट वगैरह, तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, और फिर इसलिए भी नहीं धोया कि भाई एक बार ये गंदी हो लेगी और दूसरी दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है, हवा चल रही है थोड़ी सी, और दक्ष की छुट्टी हो चुकी है भाई, सर्दियों की 10 दिन की छुट्टी है 1 से 10 तारीख तक। तो भैया अभी वो नीचे अपना होमवर्क कर रहा था, अब टीवी देखने लग गया, और उसके पापा आए थे अभी सुबह 8-9 बजे, तो वो भी अपने खाना खा के सो रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ नीचे काम कर लेती हूँ, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती, छोटे छोटे ही बनाती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।